खबर है यूपी के बरेली से, जहां थाना बारादरी के जगतपुर पनवड़िया गली में देर रात दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। दरअसल चाउमीन के ठेले से बच्चों का विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए, जिनको अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। घटना देर रात लगभग 11 बजे की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आने के बाद मामला शांत हो सका। आगे ये विवाद तुलना पकड़ने के लिए एहतियातन फोर्स लगा दी गई। पुलिस पहुंचने पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमलावर फरार हो गए। बेटा क्या है पूरा मामला? लड़की एक वीडियो है, उसके चक्कर में दिखाते हैं जबरदस्ती गाली है, वक्त इधर की लड़की है मुसलमान की है। अच्छा, कौन लोग हैं वो? वो हिंदू है, नाम बताना। राहुल है वो, उसका भैया है, सब ये दो चार और है, मिलना है ये सब। इन लोगों ने मारा मुझे बाद में। तो मारा क्यों आपको? इनने मारे मेरे सर पे। क्या चीज मारी? रॉड मारी है। तो क्यों मारा? पापा को मार रहे थे मेरे, मैंने बचाया तो मुझे मारा। अच्छा, पापा क्यों मार रहे थे? अच्छा अच्छा, किस जगह हुआ है? पथराव भी हुआ है? पनवड़िया कहाँ पड़ता है, किस जगह? कौन से थाने का मामला है? थाना बारादरी का एक वादी है सलीम सन ऑफ शफीक, निवासी सरसवानी टोला। इनके द्वारा एक तहरीर दिया गया कि इनका लड़का कल अपने ठेले पे कुछ सामान लेने गया था, तो राहुल नाम का एक व्यक्ति ने इनके लड़के को अपना मोबाइल दिखा कर किढ़ाने लगा। इनका लड़का हारिस ने उसे मना किया तो गाली गलौज करने लगा। इस पर इनका लड़का चुपचाप अपने घर आ गया। कुछ देर बाद में ये राहुल अपने बड़े भाई गौरव और दो अन्य व्यक्ति बीला और रत्तू नाम का है, जो इनके घर पर गया और गाली गलौज करने लगा। इन्होंने जब इनको मना किया गाली गलौज करने से, तो लाठी डंडे से इनको ऊपर वार किया और इसके सर पे चोटें आई है, उसका मेडिकल करा लिया गया है। जो चोटें जो साधारण प्रवृत्ति की है, इस संदर्भ में थाना बारादरी पर एक मुकदमा 386/23 धारा 323। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।